माई स्मार्ट चैनल को और घंटे बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा सबसे पहले। हाय फ्रेंड, नमस्ते आप सभी का फिर से वेलकम है चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स किस तरह आप अपने शादी का इनविटेशन कार्ड बना सकते हो, वेडिंग का इनविटेशन कार्ड बना सकते हो इजीली हाई प्रोफाइल मैनर में, ओके, वो भी 3D स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप अपने मोबाइल से अपना ही विजिटिंग कार्ड बना सको, इनविटेशन कार्ड बना सको, तो फ्रेंड मैं आपको ये वही बताने वाला हूँ इजी वे में। तो आप किस तरह आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको किस तरह एडिट करना है, किस तरह लिखना है, क्या करना है, मैं आपको सब बता दूंगा फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को लाख से देखते रहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर जाना है फ्रेंड्स। आपको जब सर्च करना है वेडिंग कार्ड मेकर सर्च करना है फ्रेंड्स, आपको इस तरह के आपको बहुत सारे आपको कार्ड मेकर दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बहुत सारे जो हैं जो फालतू जो किसी काम करे, तो फ्रेंड्स मैं आपको एकदम अच्छा जो मैंने सर्च करके निकाला है, तो फ्रेंड्स मैंने भी इस तरह है, आप देख सकते हो इसका वेडिंग कार्ड मेकर एंड विजू एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स, इसकी रेटिंग है 4.1 की। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको किस तरह यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। अभी आपको किस तरह का आपको जो विजिटिंग कार्ड हो, स्क्वायर में हो, वर्टिकल में हो, हॉरिजॉन्टल में, आपको किस तरह का हो आपको सिलेक्ट करना है। मैं वर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, तो आप उसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मेट चूज़ कर लेना है जो भी आपको पसंद आए, ओके। तो मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, दिस वन। तो जो बट ऐड आएंगे उसको स्किप कर देना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे दिख रहा है BGS, एड इमेज, स्टिकर्स, नेम एंड टेक्स्ट। तो आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। आपको उस फोटो में उसको आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने अपना फोटो सेव कर रखा है। तो फ्रेंड्स, एकदम इजी वे ई इन्विटेशन कार्ड बनाने के लिए। तो फ्रेंड, मैंने ये फोटो एक दूल्हे का था, मैंने उसको सेव करके रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको जो फ्रेम्स है आपको यहाँ चूज़ कर लेना है, जो भी। तो मैं नॉर्मल फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ और ना दूल्हे का फोटो यहाँ सेट कर देता हूँ। उसके मैं राइट पे क्लिक करूँगा, जो राइट हैंड साइड टॉप पे। अब इसको छोटा कर लेता हूँ, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको टॉप पे रख देता हूँ और मैं वापस दुल्हन का फोटो ले लेता हूँ। फ्रेम क्रॉप मैंने, ओके, मैं राइट पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं भी इसको छोटा कर लेता हूँ दूल्हे के साइज का, ओके। और मैं इसको इधर रख देता हूँ, ओके। और फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ स्टिकर पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से स्टिकर चूज कर सकते हो। तो मैं आपको स्टिकर चूज करके बता देता हूँ, देखिए मैंने चूज कर लिया। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये सेट हो गया। अब आपको नेम ऐड करना है, तो मैं लिख देता हूँ मनीष। आपके जो दूल्हे का नाम रहेगा वो ऊपर आएगा और जो दुल्हन का नाम रहेगा वो नीचे आएगा। तो मनीष वेट्स पूजा, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्लिक करना है, जो राइट में ए दिया हुआ है उस पर आपको कलर चूज़ करना है। मैं रेड कर लेता हूँ, इस पर वापस लेकर मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद नीचे आने के बाद आपको डेट से चूज़ करने का, शादी का डेट क्या है। तो मैं यहाँ चूज़ कर लो टेम्परेरी फॉर्मेट पे आप। और फ्रेंड्स, आपको जो डेट होगा आप चूज़ कर लीजिएगा और जो टाइम होगा वो भी आप चूज़ कर लीजिएगा, ओके। मैंने डेट और टाइम चूज़ कर लिया। अभी इसके नीचे वेनेस फ्रेंड्स, आपका जो प्लेस होगा आपको चूज़ कर लेना है। तो मैं लिख देता हूँ जो भी मेरा प्लेस है, आप अपना प्लेस लिख दीजिएगा, ओके। और इसके जैसे फ्रेंड्स, अभी आपको कलर चूज़ करना है, आपके फ़ॉन्ट का कलर क्या हो। तो मैं इसे ब्लू चूज़ कर लेता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट क्या हो, फ़ॉन्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। तो मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ सेट कर देता हूँ। अभी आपको फ्रेंड्स क्या करना है, अभी आपको यहाँ क्लिक करना है टेक्स्ट पे।
या फ्रेंड आपको जो भी टेक्स्ट लिखना आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। यू आर माई स्पेशल पर्सन। और फ्रेंड्स आप यहाँ जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, फिर आपको सेट कर देना है कलर चूज करने के बाद। ओके तो फ्रेंड मैंने आपको टेम्परेरी फॉर्मेट बताया, तो आप एकदम प्रॉपर वे से कर लीजिएगा। ओके तो फ्रेंड्स इतना ही करना है आपको, और इसमें से आप अपना ई विजिटिंग कार्ड, ई इन्विटेशन कार्ड बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना वो भूलिएगा, और ऊपर दिए हुए राइट बटन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो। बता देता आपको, आप देख सकते इमेज आपका सेव हो चुका है। ओके तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना वो भूलिएगा। थैंक यू।